नायका में सेल चल रही है और ये मौका बिल्कुल मत छोड़ना। 66 रुपीज से ये हॉल स्टार्ट है, काफी मनी सेविंग प्रोडक्ट भी है। आजकल फेस वॉश मार्केट में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम रैना। और आज हम करने वाले हैं नायका सेल हॉल, जिसमें आपको स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। एंड कोई भी प्रोडक्ट 140 रुपीज से ज्यादा ऊपर नहीं है। और सबसे कम प्राइस का हमारे पास प्रोडक्ट है 66 रुपीज का। नायका में 66 रुपीज का प्रोडक्ट मैंने पहली बार एक्सप्लोर किया है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ सारे मनी सेविंग प्रोडक्ट्स है, कोई भी ऐसा नहीं है जो वेस्टेज होगा। हर एक प्रोडक्ट को आप डेली लाइफ में यूज करोगे ही करोगे। सो हॉल को स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट और किफायती प्रोडक्ट कौन सा लगा है। सो ये रहा मेरा नायका का बॉक्स और ये रहा मेरा नोट जो कि मुझे आपको बताना है कि मुझे किन किन प्राइस में है। सो मैं सीरियल वाइज कर रही हूँ कि सबसे पहले हमारा फेस वॉश आता है, फिर मॉइस्चराइजर आता है, इस तरह से मैं आपको प्रोडक्ट्स बताते चली जाऊंगी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास दिस फेस वॉश फ्रॉम पॉन्ड्स। मैंने फर्स्ट टाइम पॉन्ड्स का फेस वॉश यूज करा है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने इसे 2 से 3 बार यूज कर लिया है कि मैं थोड़ी अच्छी तरह से आपको इसके बारे में बता पाऊँ। जब अपना फेस वॉश करते हो पानी से तो वो क्रीमी रह जाता है, आपने देखा होगा काफी फेस वॉश इस तरह के आ रहे हैं, पर अगर इसको आप यूज करोगे तो ये काफी ज्यादा ऐसा लगता है कि आपके फेस से एक्चुअल में डर्ट क्लीन हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है ये विटामिन B3 है इसके अंदर, और इसमें इन्होंने क्लेम किया है क्लिनिकली प्रूवन ब्राइटनेस। ये आपके फेस को ब्राइट भी काफी करता है और काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। इसका एक्चुअल प्राइस था 180 रुपीज और ये मुझे पड़ा है सेल में 166 रुपीज का। आजकल फेस वॉश मार्केट में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि लोग अपने फेस का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो आपको 50 ग्राम भी काफी अच्छे खासे रुपए में मिल जाएगा, पर ये 100 ग्राम का आपको 166 रुपीज का पड़ रहा है। आई थिंक इट्स अ गुड डील और एंड ये आपका काफी मनी सेविंग भी प्रोडक्ट है। सेकेंड प्रोडक्ट है हमारे पास दिस मॉइस्चराइजर फ्रॉम पॉन्ड्स। इसका मुझे बॉक्स काफी ज्यादा अच्छा लगा है, काफी ज्यादा क्यूट लग रही है पैकेजिंग। इसके ऊपर लिखा हुआ है पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल, जो कि जेल फॉर्म में मॉइस्चराइजर है। स्किन पे काफी थिक नहीं है, काफी लाइट वेट है, लगाते टाइम आपको ऐसा लगेगा नहीं कुछ है और अच्छी तरह से आप इसे लगा के मसाज कर सकते हो। कई बार होता है अपने थिक मॉइस्चराइजर से आप अच्छी तरह से फेस को मसाज नहीं कर पाते, पर ये जेल फॉर्म में है तो ये बहुत ही ज्यादा इजी बना देता है आपके हाथों को मूव करने पे फेस पे। पॉन्ड्स की एक यूनिक फ्रेग्रेंस होती है, वो है ये, काफी ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा लाइट वेट है, पर इतना अच्छा ये देखो होता है पूरे हाथ में। अगर मैं लगा भी लूं, मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये देखो कितनी जल्दी इसने हाथों को एकदम अच्छा सा शाइन दे दिया है। तो अगर आप मॉइस्चराइजर अवॉइड करना चाहते हो या आपका मॉइस्चराइजर काफी हैवी वेट का है और काफी थिक है तो आप इस पे स्विच कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा है। मैंने 1 वीक से यूज किया है, मैं रात के टाइम फेस वॉश करने के बाद इसको लगा के सोती हूँ, तो आई थिंक इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर। बट येस, इफ यू आर वेयरिंग मेकअप, हैवी मेकअप पहन रहे हो, फाउंडेशन लगा रहे हो, कंसीलर लगा रहे हो, सब अच्छी तरह से मतलब अच्छी क्वांटिटी में लगा रहे हो, तो आपको थोड़ी थिक मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ सकती है। आपको एक मॉइस्चराइजर अपने रूटीन में ऐड करना है या आप चाहते हो नया ट्राई करना, यू कैन गिव इट अ ट्राई। क्वांटिटी भी काफी अच्छी है, ये 100 ml का है और 187 रुपीज में मुझको पड़ा। थर्ड प्रोडक्ट है हमारे पास दिस कंसीलर फ्रॉम फेसेस कैनेडा, जो कि फर्स्ट टाइम मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। ये काफी ज्यादा लाइट वेट मुझे लगा और हल्का सा इसका अंडरटोन येलो है, तो आई थिंक आपको एक शेड थोड़ा अप जाना पड़ेगा अगर आपको थोड़ा लाइट कलर का कंसीलर चाहिए, अदरवाइज मुझे कोई कमी नहीं लगी। काफी ज्यादा लगाने टाइम ये काफी ज्यादा क्रीमी है, बिल्कुल जल्दी से ड्राई नहीं हो रहा कि आपको बहुत टाइम लगेगा। मैंने हल्की देर लगाया, आधा मिनट कंसीलर को रहने दिया, उसके बाद मैंने ब्लेंड किया, उसके बाद भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है, क्रीमी कंसिस्टेंसी है इसकी और ये शेड कुछ इस टाइप का है। अगर आपको कंसीलर हाईलाइट के लिए चाहिए तो आपको एक शेड ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि ये येलोइश साइड में लगा। इसकी कवरेज काफी ज्यादा अच्छी है, राइट अमाउंट ऑफ इसका फॉर्मूला है, लगाते टाइम ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया। कई बार होता है कि आपके कंसीलर काफी ड्राई होते हैं, जैसे कि इन साइड में मैंने नोटिस किया है उनके कंसीलर हल्के से ड्राई हैं, पर ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं और अच्छी तरह से उसने शेप छोड़ी थी मेरे फेस पे, तो आई थिंक इट इज अ नाइस चॉइस। और यही सबसे महंगा प्रोडक्ट है हमारा, ये मुझे पड़ा था 239 का। और फेस वॉश हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, कंसीलर हो गया, अब क्या बनाना पाउडर जो हमारी बेकिंग के लिए होता है, बेकिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने अच्छे प्राइस में इनसाइट आपको बनाना पाउडर ऑफर कर रहा है। काफी अच्छी तरह से ये सेट हो जाता है और आप थोड़ी देर इसे रखोगे तो ये हल्का हल्का आपको ब्राइटनेस भी दे देता है आपको, और आपकी आईज जो अंडर आईज है उसको सेट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा क्रीजी हो जाता है। और इस बनाना पाउडर का प्राइस था 185 रुपीज में, काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप अदर कोई बनाना पाउडर लोगे तो वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड में होते हैं। इसके ऊपर बनाना लूज पाउडर लिखा हुआ है और ये 40 ग्राम्स का है, काफी अच्छा है और लंबा चलेगा है आपका। मेरे पास मुझे ऑलमोस्ट ईयर हो चुके हैं, मेरे पास ये है जो कि मुझे इतना खत्म हो गया था, मुझे लगा ये मेरा खो गया है, दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड इट, बट थोड़े टाइम बाद ही मुझे अचानक से मिल गया। तो मेरे आप देख सकते हो 1 साल मुझे कंप्लीट होने वाला है, फिर भी मेरा इतना यूज हुआ है।
काफ़ी टाइम चलेगा, तो उसके हिसाब से 185 रुपीज में आपको ये सामान मिल रहा है। आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट चॉइस। लास्ट टाइम पे आपके पास क्या बचा? हाइलाइटर। इस बार मैंने ये हाइलाइटर ऑर्डर किया है। ये भी इनसाइड का प्रोडक्ट है। इनसाइड के प्रोडक्ट मैंने हमेशा देखे हैं काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। सो चलो ओपन करते हैं। मैंने पॉलिथिन नहीं हटाई। इसके ऊपर लिखा हुआ है 3D हाइलाइटर और पीछे आपको डायरेक्शन दे रखा है कि आपको किस किस तरह से किस किस पार्ट में आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही प्यारे 4 शेड दे रखे हैं और ये क्रीम हाइलाइटर है। सो मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। दीज आर दी 4 स्वॉचेस जो कि काफ़ी अच्छी शाइन प्रोवाइड करवा रहे हैं और चारों के चारों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एक गोल्डिश है, एक शैम्पेन है, एक ब्राइट कलर का हाइलाइटर है, तो सारे अच्छे हैं। मैंने अभी अपने इनर कॉर्नर में भी सेम यही लगाया हुआ है। हाइलाइटर ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कोई हर रोज यूज नहीं करता, पर अगर आप इसको अपने इनर कॉर्नर पे ऐड करोगे तो आपकी आईज काफी ज्यादा पॉपअप होके दिखती हैं। आपको अपने चीक बोन्स हाईलाइट करने, अपने आईब्रो पार्ट हाईलाइट करना है तो हाइलाइटर काफी ज्यादा हेल्प करता है उन चीजों को हाईलाइट करने में और आपका फेस अलग दिखता है नॉर्मल से। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कलर यूज नहीं करता, आई शेडो यूज नहीं करता, तो आप हल्का सा पिंच हिंट ऑफ हाइलाइटर लेके अपने आंखों के ऊपर भी लगा सकते हो। वो एक हल्का सा शिमर ऐड करता है तो जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। जैसे मेरी आईज अभी इस तरह से लग रही है। मैं ट्राई दिस शैम्पेन वन। लुक एट दैट शाइन। अगर आप आई शेडो भी यूज नहीं कर रहे तो आपके पास एक अच्छे से प्यारे से 4 शेड जो आप अपने आईज पे लगा सकते हैं जो आई शेडो का भी काम करेगा और आपको ऐसा दिखाएगा भी नहीं कि आपने बहुत बड़ा आई शेडो एक कलर यूज कर रखा है, पर ये आपकी आईज को हाईलाइट भी करेगा जैसे मेरी आईज अभी हाईलाइट हो रही है। बट यस, एक पॉइंट यहाँ पर है कि क्रीम हाईलाइटर को यूज करने में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है यूज होने से। पाउडर हाईलाइट काफी जल्दी और इजिली आपके यूज हो जाते हैं, पर ये जो क्रीमी हाईलाइट होते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है आपको हाथ बैठाने पे। इसका प्राइस था 207, 207 रुपए का मुझको ये पड़ा है। इसके बाद जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है आपको। आपका पैसा पूरा सेव होगा इससे। जैसे कि मैंने कहा, इनसाइड और स्विस ब्यूटी काफी अच्छे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में काफी अफोर्डेबल प्राइस में, तो उनका ही एक प्रोडक्ट है मेरे पास, दिस मेकअप रिमूवर पैड, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। ये स्विस ब्यूटी का है तो मैं आपको ओपन करके दिखा दूं। मेकअप रिमूव करने में जान निकलती है ना, ऐसा मन करता है कि कभी कभी तो ऐसे बार हुआ है कि मैं मेकअप करके ही सो गई हूँ कई बार, पर मैं ज्यादा ट्राई करती हूँ मैं रिमूव करके ही सो। हिम्मत नहीं होती, बस नहीं हो रहा मुझे सोना है। उन टाइम में आपको काफी रेस्क्यू करने आ सकता है ये, और पानी में हल्का सा सोक करना है और उसको रिमूव करना है अपना मेकअप। अगर आप मैसलर वाटर यूज करोगे तो उसके लिए आपको कॉटन पैड की जरूरत पड़ती है। कॉटन पैड भी काफी थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जिसके अंदर 50 पैक्स आते हैं। उसको यूज करोगे तो उसका हर बार आपका एक पैड यूज होगा, दैट्स मीन एक बार में आपके 3 यूज हो रहे हैं। पर अगर ये आप यूज करोगे, ये इसलिए कॉस्ट इफेक्टिंग है कि आपको बार बार पैड्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में यूज हो जाएगा। ये प्रोडक्ट आपका काफी पैसा बचा सकता है। जब भी हमें मेकअप रिमूव करना होता है तो मॉइस्चराइजर वाटर लेते हैं और साथ में अपना कॉटन पैड लेते हैं और हर बात में हमारे कम से कम 2 या 3 कॉटन पैड्स यूज हो जाते हैं। पर इससे आपको ये फायदा हुआ कि आपको सिर्फ इसको गीला करना है, इसके अंदर मॉइस्चराइजर वाटर भी यूज नहीं करना और आपको सिर्फ टैप करके पोंछ लेना है। ये अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। यस, पर अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपके पोर्स जल्दी क्लॉक होते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि पहले आप इससे क्लीन करो, फिर उसके बाद जाके एक कॉटन पैड यूज करो और उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अच्छी तरह से पूरा मेकअप उतर चुका है और आपके पोर्स क्लॉक नहीं हो रहे। मैं कॉटन पैड यूज नहीं करती, बट यस, टू बी सिक्योर कि मेरे पोर क्लॉक ना हो। मेरी ड्राई स्किन है बट फिर भी मैं एक प्रिकॉशन लेती हूँ। और ये था हमारा 127 रुपीज का, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। इससे पोंछने के बाद मैं कॉटन बॉल्स का यूज करती हूँ, जो कि मुझे पड़े हैं 50 कॉटन बॉल्स हैं ये, और ये मुझे 66 रुपीज के पड़े हैं। 50 कॉटन बॉल्स है तो मैं 40 या 50 टाइम तक मैं मान सकती हूँ कि मेरा फेस क्लीन हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा किफायती है। द मोस्ट इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट वॉज दिस। मुझे बताना मत भूलना कि आपको ये हॉल कैसा लगा। टिल देन, बाय।